अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा व्लॉग है वो बहुत ही कॉमेडी होने वाला आज है। वहीद के म्यूजिक पर आज का जो हमारा व्लॉग है वो है सॉन्ग पर। मैं सॉन्ग का जो मैं सॉन्ग गुनगुनाऊंगा, एक मिनट ठहरो, मैं सॉन्ग गुनगुनाऊंगा और शकीला मुझे बताएगी कि ये सॉन्ग कौन सा है। ओके कर दो ऑन। चलो मुझे माइक दो, मुझे माइक। हेलो क्या बात है, तुम दिल की धड़कन में रहती हो रहती हो। अच्छा, तुम दिल की धड़कन में। हाँ, ये तो आपकी फेवरेट सॉन्ग है। हाँ, ये वाकई मेरा फेवरेट सॉन्ग है। तो तुम दिल की धड़कन में रहते हो। तो किसके लिए गाते हो? वाकई तुम दिल की धड़कन में रहते हो। क्या बात है। अपनी भाई से मोहब्बत किया करें, प्यार किया करें, ऐसे खुश रहा करें। तो हमारा जो स्माइली कपल भी लोग है, ये इसको प्लीज हमारा रिश्ता हुआ था तब कौन सा गाना गाते थे? नहीं, रिश्ता होने से पहले सॉन्ग गाते होते थे। एक कौन सा बोल, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, यही था ना। हाँ, जब मैं बैचलर था ना, जब मैं कुमार था, तो तब मैं करना। मुझे ना जो कुमार सानू के सॉन्ग है, जो सदाबहार सॉन्ग है, वो मुझे पसंद तो है। अब क्यों नहीं सुनते? आजकल के जो सॉन्ग है वो आपको पता है कि ना, वो ना तो उसकी शायरी है, पोइट्री है, और ना ही उसकी समझ आती है कि किस तरह की। मुझे है। तो सारे गानों की समझ आती है क्योंकि मेरे फेवरेट है वो। तो व्यूअर्स, जो ओल्ड सॉन्ग है, वाकई कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, तो जो ओल्ड सॉन्ग होते हैं वो वाकई ही दिल को छूते हैं। क्या तो वाकई ही वो पुरानी तो जो पुरानी यादें होती हैं वो बंदे की ताज़ा हो जाती हैं। तो मुझे जो सॉन्ग पसंद था, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, ये आई लाइक इट, ये मेरा पसंद, ये बहुत ही मुझे पसंद है ये सॉन्ग। मेरा तो, मेरी पसंद का वाला कौन सा सॉन्ग है? कौन सा सारा है? सारा दिन तेरे बिन होने नहीं गुजरता यारा। जब ये काम पे होते ना, तब मैं तो ना टाइम देख देख के ना दिन गुजारती हूँ। कभी चाची की तरफ चली जाती हूँ, कभी कमरे में आ जाती हूँ, मेरा दिल नहीं लगता, तो बोर होती रहती हूँ, वहीद को मिस करती रहती हूँ। तो फिर मैं कभी कभी इनको फ़ोन भी कर लेती होती हूँ, तो किसी वक्त किसी टाइम नहीं भी बात होती मेरी इससे, तो फिर मेरा टाइम नहीं गुजरता, तो फिर मैं बोर होती रहती हूँ। तो मैं तो ज़्यादा इनकी छुट्टियाँ करवा देती हूँ, आज छुट्टी कर। तो जब ये छुट्टी करते हैं ना, तब फिर टाइम बहुत अच्छा गुजरता है मेरा, टाइम को पता ही नहीं तो चलता। वाकई शकीला सही कह रही है। ये जब भी मैं सुबह उठता हूँ, मैं बस थोड़ा सा कहता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक ये मुझे उठाती है, मैं कहता चलो अभी मैं उठता हूँ, कहती चलो फिर रहने दो, छुट्टी कर लो। कोई भी छोटी सी बात हो तो ये कहती छुट्टी कर लो, छुट्टी कर लो। तो इसको कोई बहाना चाहिए, मेरा टाइम गुजर जाएगा। हाँ, इसको कोई बहाना चाहिए होता छुट्टी का, छुट्टी कर लो। इसको यही ना पता कि वहाँ पे ज्यादा बात है कि अगले पैसे देते हैं काम के। तो छुट्टी करना मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है, और मेरा जो काम का बर्डन है वो भी फिर डबल हो जाता है। तो कोई औरतें होती हैं, कहती हैं कि काम पे नहीं जाता, ये कब जाएगा, भाई नहीं जाता, घर में बैठा रहता। मैं तो कहती हूँ ये घर में ही रहा करे। तो व्यूअर्स, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हमारी जो बैचलर स्टोरी थी, जो पहले जब हम कुंवारे थे, हम कैसे एक दूसरे को कॉल्स किया करते थे, कैसे फिर बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। चलो व्यूअर्स, शकीला कह रही है कि नेक्स्ट व्लॉग में हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कि हमारी जो बैचलर, जो हम जब हम कुंवारे थे तो हम एक दूसरे से बात किया करते थे, फ़ोन पे घंटों घंटे बात करते थे। तो अभी माशाल्लाह शुक्र है कि हमारे चार बच्चे हैं। पहली बेटी हमारी ऐनी है, अनाया है, आनिया है, और हमारा बेटा एलिया अब सवा महीने का हो गया है। आगे हमने अपने बेटे का 9 तारीख को सवा महीना रखा है, तो 9 तारीख को सवा महीना हमारे बेटे का एलिया का, और उसका जो पूरा प्रोग्राम है वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, उसका भी व्लॉग बनाएंगे। तो प्लीज़ व्यूअर्स, हमें सपोर्ट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें बताना है कि हम सवे महीने पे कैसे लग रहे हैं। अभी तो ड्रेसिंग हम ना सोच रहे हैं कि कौन सी करें, कैसी करें, तो देखेंगे अभी। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है हम कैसी करें। अच्छा, तो शकीला आपको सॉन्ग सुनाएगी अब थोड़ा सा।
कोई भी सुना दो। अभी मुझे कोई भी नहीं याद। अभी कोई नहीं याद। ये भी नेक्स्ट व्लॉग में। ये भी। अच्छा ये भी नेक्स्ट व्लॉग में। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा व्लॉग था वो एक कॉमेडी पर था, तो हमने थोड़ी कॉमेडी की, हंसी खेड़िए की जानिए ताडे जैसे वो मूवी में कहते हैं जानिए ताडे हंसियाँ खेड़िया। तो व्यूअर्स प्लीज़ हमारे स्माइली कपल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, विज़िट कीजिए। तो ये आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार है, और हमें सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट भी लोग बनाएं। हमें तसल्ली होती है, हमें भी खुशी होती है कि लोग जब हमें सपोर्ट करते हैं। ये आप लोगों की सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।